हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो उन तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ ओडीआई और ट्वेंटीज़ में डिसाइड किया गया था। टेस्ट सीरीज़ में आके श्रीलंका और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनको चेंज कर दिया गया है। उनको चेंज करने की सबसे मेन रीज़न ये है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया जो पिछले ही दिनों में खेली गई है उसमें से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस वेल प्लेड नहीं किया और वो लूज़ भी हुए। इसकी वजह से पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये फैसला करना पड़ा कि अपने स्क्वाड को चेंज किया जाए ताकि वो आने वाले मैचेस में पाकिस्तान और श्रीलंका के टेस्ट सीरीज़ या इससे अगले आने वाले 2020 में जो सीरीज़ होंगी उसमें से वो अच्छा परफॉर्म कर सके। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान का स्क्वाड था टेस्ट सीरीज़ में वो था सरफराज अहमद, बाबर आजम, फ़खर जमान, इमामुल हक, वाब रियाज, अजहर अली, शफीक, मोहम्मद आमिर और शदाब खान ये शामिल थे। लेकिन इनमें से इमामुल हक और अजहर अली थे, इन्होंने पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। अजहर अली ने तो बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को शर्मसार किया है, जिसकी वजह से पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको निकालने का फैसला कर दिया है। और इमामुल हक ने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसने भी लास्ट 34 मैचेस में इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया, जिसकी वजह से पीसीबी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको भी निकालने का जवाब बनता है। लेकिन अभी तक इसका कंफर्म नहीं है कि वो इसको निकालेंगे या रखेंगे। लेकिन अजहर अली को इन्होंने बर्खास्त कर दिया है कि वो पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका टेस्ट सीरीज जो 11-15 दिसंबर और सेकेंड जो टेस्ट सीरीज है 19-23 उसमें से वो निकाल दिए जाएंगे। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौन से प्लेयर इनको लाती है और ला के वो टेस्ट सीरीज़ खिलवा के अच्छा परफॉर्म करवा के वो जीत सकती है। तो इसमें से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है बाबर आजम की, जिसने 8 मैचेस में 204 रन्स बनाए हैं टेस्ट सीरीज़ में। ये अच्छा रिकॉर्ड है कि उसने 150 और 160 एक मैच में भी की है, जिसकी वजह से उसको ओपनिंग बैट्समैन भी भेजने का वो ऐलान करने लगे हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये फैसला अभी होना है कि बाबर आजम और समी असलम को वो ओपनिंग पर भेजें। लेकिन अगर ये इन दोनों को ओपनिंग पर भेजते हैं तो ये अच्छा वेल प्ले करेंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले 20 मैचों में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। लेकिन इसमें इतनी चेंजेस कभी नहीं की गई जितनी इस बार की गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं उसमें से इतनी गंदी परफॉर्मेंस देने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चेंजिंग करनी पड़ी ताकि आने वाले वक्तों में वो इस पर कंट्रोल कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें। थैंक यू सो मच।